राजधानी जयपुर में आज ही के दिन यानी कि 13 मई 2008 को एक के बाद एक 8 आतंकी हमले हुए थे, जिसने शहर को गहरे सदमे में डाल दिया था। जयपुर में 8 बमों के विस्फोट से इस शहर में हाहाकार मच गया था। उस हमले में 71 लोगों की जान चली गई थी, करीब 185 लोग घायल हो गए थे। ये धमाके त्रिपोलिया बाजार, जौहरी बाजार, मानक चौक, बड़ी चौपट पर और छोटी चौपट पर हुए थे। त्रिपोलिया बाजार में भी एक विस्फोट हुआ, जहां एक हनुमान मंदिर है और उस समय वहां भारी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित थे। ये सभी धमाके 2 किलोमीटर के दायरे में हुए थे। इस मामले में राजस्थान पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में उनको बरी कर दिया गया, जिससे पीड़ित परिवार के जख्म और भी गहरे हो गए। आज जनता दरबार के संवाददाता पहुंचे हैं पीड़ित परिवार के लोगों से बातचीत करने। आइए आपको भी सुनाते हैं। राजधानी जयपुर, जो कि गुलाबी नगरी के नाम से मशहूर है और जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है। आपको बता दें कि ये राजधानी जयपुर न सिर्फ अपने खान पान, अपने किलों की वजह से जानी जाती है, बल्कि यहाँ पर छोटी काशी इसको कहा जाता है। और यहाँ पर जो मंदिर हैं, यहाँ के परकोटे के इलाके में जो मंदिर हैं, उस वजह से भी इसे छोटी काशी और एक धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है। मैं मेरे कैमरामैन को बोलूँगा कि यहाँ से दूर वो जो नाहरगढ़ का किला जो दिखाई दे रहा है, ऐसे कई किले राजधानी जयपुर के अंदर मौजूद हैं। लेकिन आपको हम एक रोचक बात अगर हम बताएं कि इन किलों, इन महलों, इन मंदिरों के अलावा भी साल 2008 में एक ऐसा वाक्या राजधानी जयपुर में हुआ, जिस वजह से, उस खतरनाक वजह से भी राजधानी जयपुर को जाना जाने लगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 2008 के मई की, मई का 13वां दिन यानी कि 13 मई 2008 शाम को करीब 7:20 पर माणक चौक में एक धमाका होता है। लोग बाग कुछ समझ पाते, अपनी जान बचाने के लिए भाग पाते, इससे पहले 10 मिनट बाद एक और धमाका हुआ और ऐसे करके कम से कम 8 धमाके हुए। प्लानिंग 9 धमाकों की थी, लेकिन 9वां धमाका नहीं हो पाया, उस बम को डिफ्यूज कर दिया गया। लेकिन उन 8 धमाकों ने राजधानी जयपुर की फिजा में जो जहर घोला, जो आतंक की बू घोली, वो आज 16 साल बाद भी यूं की यूं बरकरार है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हादसे भुलाए जा सकते हैं, लेकिन हादसों के जो गम होते हैं, हादसों के जो निशान होते हैं, वो नहीं भुलाए जा सकते। और वो इसलिए नहीं भुलाए जा सकते क्योंकि इन हादसों को जो जिम्मेदार हैं, वो आज सलाखों से छूट चुके हैं, बरी हो चुके हैं। और इसका कारण है सरकार और प्रशासन की लापरवाही, कि वो मजबूत तरीके से वो सबूत नहीं जुटा पाए जो उन आतंकियों को, उन दहशतगर्दों को सलाखों के पीछे रख पाता या फांसी की सजा दिलवा पाता, ताकि जो लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं, जो लोग इस हादसे के कारण इस दुनिया से जा चुके हैं, उन्हें न्याय मिल पाता। आपको हम बता दें कि उस हादसों के जो निशान हैं, वो आज भी चीख चीख कर अपनी गवाही दे रहे हैं। ये बोर्ड आप देख सकते हैं, इस बोर्ड के अंदर ये छेद आप देख सकते हैं, ये वही छेद है जब यहाँ पर वो बम फटा था, जिसके अंदर छर्रे और कीले थी, वो यहाँ पर आकर लगे थे। आपको जलियांवाला बाग याद होगा, जब अंग्रेजों ने वहां पर गोलियां चलाई थी, जलियांवाला बाग की दीवारों पर आज भी उन गोलियों के निशान मौजूद हैं। ऐसे ही ये बोर्ड उस बम धमाके की जो भयावहता है, उसे दर्शाता है। ये पेड़ आप देख सकते हैं, इस पेड़ में जगह जगह छोटे छोटे छेद हैं, ये छेद वो दिखाते हैं कि वो बम जो फटा था, उसके अंदर जो छर्रे और कील जो इसके अंदर घुसे थे, वो छर्रे और कील मानव शरीर के अंदर भी घुसे थे और उस वजह से कई लोग इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। आपको बता दें कि करीब 71 जाने गई थी और 185 लोग इस बम धमाके में घायल हुए थे। इन बम धमाकों में घायल हुए और जो लोग इस दुनिया को छोड़ गए, उनको तो सब याद करते ही हैं, लेकिन याद करते हैं उन लोगों को भी जिन लोगों ने उन घायलों की बिना धर्म, जाति, संप्रदाय देखते हुए मदद करी थी, दिन रात एक कर दिया था। ऐसे लोग भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। मदन जी, आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने दिन रात एक कर दिया, लगातार कई दिन तक आप सोए नहीं, बिना रुके, बिना थके उन घायलों की आप मदद करते रहे और आप इस उस समय यहाँ पर मौजूद थे। भगवान का हम कह सकते हैं कोई चमत्कार था, आपके पिछले जन्मों का या इस जन्म के कुछ पुण्य फल थे जो आपको कुछ नहीं हुआ और भगवान ने आपको चुना, लेकिन कराहते हुए नहीं, बल्कि घायलों की मदद करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? सर,
सर मैं उस टाइम यही मौजूद था और मेरे सामने ही यहाँ विस्फोट हुआ था। कोतवाली में गया था मैं, यहाँ से विस्फोट होते हैं तो वहाँ पे भी मेरे सामने ही विस्फोट हुआ था। फिर वहाँ से मैं पुलिस वालों को लेते यहाँ आया और उसके बाद में घायलों को मैंने सबको हॉस्पिटल पहुँचाया पुलिस की मदद से और निजी वाहनों से। और 3 दिन और 3 रात मैं यहाँ छोटी चौपड़ पर रहा, पुलिस का मैंने पूरा साथ दिया और छोटी चौपड़ की तरफ से FIR भी मैंने ही दर्ज करवाई थी और अभी तक मैं कोर्ट में जा रहा हूँ पिछले 16 सालों से। मदन जी, कई लोग आज हमारी इस दुनिया में ऐसे हैं, कई बच्चे हैं, बच्चियां हैं और कई प्रकार के लोग हैं जो जरा सा खून या जरा सी कोई गंदगी देख लेते हैं तो उनकी चीख निकल जाती है या वो उस जगह जाना मंजूर नहीं करते। ऐसे में आपने अपने हाथों से उन शरीरों को उठाया है जिन शरीरों पर न जाने किस प्रकार के जख्म होंगे। एक वाक्य याद आता है, एक राहुल नाम का एक लड़का था जो बहुत बुरी तरह घायल हुआ था, उसे आप लेकर गए हैं, किसी के सिर में लगी थी, किसी के हाथ में लगी थी। और जो मंजर जो आप बताते हैं कि वहाँ पर हॉस्पिटल में खून की नदियाँ सी बह रही थी, ऐसे में खुद को आप कैसे संभाल पाए? खुद तो बड़ा मुश्किल था संभालना, लेकिन हिम्मत करी हमने और हमारे साथ वालों ने, सब ने हिम्मत से काम लिया, ऊपर वाले ने हमारा साथ दिया, सब घायलों को हमने टाइम से हॉस्पिटल पहुँचाया और काफ़ी जाने बचाने में हम कामयाब भी रहे। मदन जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, 16वीं बरसी आज उस बम धमाके की है जिस बम धमाके ने छोटी काशी और गंगा जमनी तहजीब वाली इस गुलाबी नगरी की फिजाओं में जो जहर घोला था। एक टीज जरूर आपके मन में उठती होगी, लगातार आप गवाही के लिए भी जा रहे हैं, ऐसा कोई सा दिन नहीं होगा जब गवाही के लिए आपको बुलाया और आप बिना कुछ भी एक पल गवाए आप वहाँ पर गए, लेकिन इतना गवाही देने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी आज जब आपको सुनाई देता है कि वो जो दहशतगर्द थे वो सिर्फ और सिर्फ सरकार और प्रशासन की लापरवाही के चलते पर्याप्त सबूत ना पेश कर जाने की वजह से आज वो बरी हो चुके हैं, तब आपके मन में क्या ख्याल आता है? ये तो अजीब सी ठीस उठती है। पिछले 16 सालों से मैं लगातार गवाह में कोर्ट में जा रहा हूँ गवाही देने, उसके बावजूद उन अपराधियों को जिन्होंने समाज में इस तरीके का कृत्य किया है उनको सजा नहीं मिल पा रही। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि हम वहाँ गए हैं, हमारा टाइम खराब हुआ है, हमारा बिजनेस खराब हुआ है, तो हम सरकार से ये अपील दोबारा से करते हैं कि उनको सड़ी से सड़ी सजा दिलवाई जाए। नाम का एक लड़का था जो बहुत बुरी तरह घायल हुआ था, उसे आप लेकर गए हैं, किसी के सिर में लगी थी, किसी के हाथ में लगी थी। और जो मंजर जो आप बताते हैं कि वहाँ पर हॉस्पिटल में खून की नदियाँ सी बह रही थी, ऐसे में खुद को आप कैसे संभाल पाए? खुद तो बड़ा मुश्किल था संभालना, लेकिन हिम्मत करी हमने और हमारे साथ वालों ने, सब ने हिम्मत से काम लिया, ऊपर वाले ने हमारा साथ दिया, सब घायलों को हमने टाइम से हॉस्पिटल पहुंचाया और काफ़ी जाने बचाने में हम कामयाब भी रहे। मदन जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, 16वीं बरसी आज उस बम धमाके की है जिस बम धमाके ने छोटी काशी और गंगा जमनी तहजीब वाली इस गुलाबी नगरी की फिजाओं में जो जहर घोला था। एक टीज़ ज़रूर आपके मन में उठती होगी, लगातार आप गवाही के लिए भी जा रहे हैं, ऐसा कोई सा दिन नहीं होगा जब गवाही के लिए आपको बुलाया और आप बिना कुछ भी एक पल गवाए आप वहाँ पर गए, लेकिन इतना गवाही देने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी आज जब आपको सुनाई देता है कि वो जो दहशतगर्द थे वो सिर्फ और सिर्फ सरकार और प्रशासन की लापरवाही के चलते पर्याप्त सबूत ना पेश कर जाने की वजह से आज वो बरी हो चुके हैं, तब आपके मन में क्या ख्याल आता है? ये तो अजीब सी ठीस उठती है। पिछले 16 सालों से मैं लगातार गवाह में कोर्ट में जा रहा हूँ गवाही देने, उसके बावजूद उन अपराधियों को जिन्होंने समाज में इस तरीके का कृत्य किया है उनको सजा नहीं मिल पा रही। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि हम वहाँ गए हैं, हमारा टाइम खराब हुआ है, हमारा बिजनेस खराब हुआ है, तो हम सरकार से ये अपील दोबारा से करते हैं कि उनको सड़ी से सड़ी सजा दिलवाई जाए। उस लड़के की जिसकी हमने बात करी राहुल की, उसके परिवार वालों को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो रेंग कर आपके पास आया था मदद मांगने, आपने उसकी भी जान बचाई थी, तो ऐसे कितने परिवारों से आप संपर्क में हैं और वो परिवार वाले, क्योंकि वो खुद परेशान हो चुके हैं बार बार TV पर आकर, बार बार बाइट देकर, उनके परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? अभी मेरी राहुल शर्मा के पापा से बात हुई थी कि मैं, भाई मीडिया वाले हैं, आप लोगों का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हमें सरकार की तरफ से भी कोई विशेष सहायता नहीं मिली है और हम दोबारा से इस जख्म को खुदेड़ना नहीं चाहते। बच्चे ने भी मना कर दिया और उनके पापा ने भी मना कर दिया और उसकी हालत ये थी कि कोई चमत्कार ही था जो बच गया। मैंने मेरे हाथों से उस घायल को उठाया था, पूरी अतड़ियाँ उसकी बाहर थी और मुश्किल था उसका बचना, लेकिन चमत्कार है वो बच गया।
बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से मदन जी ने बताया कि वो कोई चमत्कार ही था कि वो लड़का जो इतनी बुरी तरह घायल हुआ था वो बच गया। और जाहिर सी बात है उनके मन में ये दुख है, उनके मन में ये टीस है कि सरकार की तरफ से भले ही उन्हें पर्याप्त मदद ना मिल पाई हो, लेकिन जो उनके अपराधी थे उन्हें सजा तक सरकार और प्रशासन नहीं दिलवा पाया। और शायद यही हम कह सकते हैं गुस्सा है कि वो अब सामने भी नहीं आने देना चाहते। हमारे साथ में एक भाई साहब और मौजूद हैं जिनकी दुकान आप देख रहे हैं। मैं अपने मेरे सहयोगी से बताऊंगा कि इस जगह ये भाई साहब बैठे थे और यहाँ से मैं वो डिस्टेंस आपको दिखाना चाहूंगा जहाँ पर वो बम विस्फोट हुआ था। ये जो आप एक्टिवा देख रहे हैं, जो एक्टिवा यहाँ पर खड़ी है, इस जगह वो साइकिल खड़ी थी और साइकिल पर वो थैला टंगा था जिसमें वो बम था जो फटा था। ये दूरी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी कम दूरी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जाकुर आके साइयाँ मार सके ना कोई, तो वैसा ही कुछ चमत्कार इन भाई साहब के साथ में हुआ। हम यूँ कह सकते हैं कि इनका पूजा पाठ और छोटी काशी जिस गोविंद के नाम से जानी जाती है, उस गोविंद की इनके ऊपर इतनी कृपा रही कि इनकी दुकान नष्ट हो गई लेकिन इनका बाल भी माका नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे? वो 13 तारीख के दिन साहब वो विस्फोट हुआ, काफ़ी खतरनाक था। मेरी दुकान के जो जितने भी शीशे वगैरह कांच वगैरह लगे गए सब टूट गए, लेकिन हमारे कुछ भी नहीं हुआ। आज भी मैंने एक शीशा रख रखा है छोटा सा जिसपे आर पार छेद है, और खतरनाक था। मेरी मोटरसाइकिल भी जली हुई है, वो भी घर पे खड़ी है, मैंने बेची नहीं उस पैसे कैसे। एक साथी का कपड़े वाले का स्कूटर था, उसका पता ठिकाना ही नहीं आज तक। खतरनाक था, काफ़ी खतरनाक था। हम खुद ही नहीं पहचान पाए कि हुआ क्या। मेरे पड़ोस में जो दुकान है एक, उनके अंदर वाले खंड में एक राम बाबू जी बैठे हुए थे, उनके छर्रे पे इतने छर्रे लगे, मैंने उनको उठाया था हाथ से, तो मेरे सारे बुशर्ट खूनों ही खूनों में लथपथ हो गया था। जब पता पड़ा भाई इन पे पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद भी पता पड़ा है तो पहले भाई बम बला, पहले हमको ये पता नहीं, हमारी दुकान बिल्कुल धुएं धोर हो गई, तो हमने तो सोचा भाई कोई ट्यूबलाइट वगैरह फट गई, यही महसूस हुआ। उसके बाद में आज भी सिर में 15 मिनट तक तो सूं सूं होना, मैं पहचान नहीं पाए हो रहा क्या है हमारे साथ। बिल्कुल भाई साहब, बहुत बहुत संक्षिप्त में हम आपसे जानना चाहेंगे, ये मंजर आपकी आंखों के सामने हुआ है, बहुत संक्षिप्त में जानना चाहेंगे पूरा घटनाक्रम क्या कुछ आपने देखा उस? ये मैं एक साइकिल खड़ी थी, उसमें साइकिल के ऊपर एक बैग लगा हुआ था बच्चों के जैसा, उसमें विस्फोट हुआ है। उसके बाद में यहाँ हल्का भगदड़ सी मच गई, कई आदमी जो शाम का टाइम था, कई घर जाते हैं तो बात करते जा रहे हैं, आ रहे हैं आ रहे हैं, तो कईयों के तो हमने देखा कि उनके खून चालू हो गया, तो हमने सोचा भाई पता नहीं क्या हो गया। हमने अंदर दुकान देखी तो हमारी दुकान के शीशे सब टूटे हुए पड़े, उनका पता नहीं क्या हो गया। उसके सुबह पता पड़ा, उसके बाद में सरकार आई तो हमने एविडेंस भी दिया, उसके 3-4 दफे एविडेंस में गए, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ अभी तक। आप बताते हैं कि कुछ 250-300 के आसपास छर्रे और किले, 300-350 छर्रे निकाले थे मैंने झाड़ू के अंदर। तीसरे दिन, 3 दिन बाद में खुली थी, 3 दिन तो सील थी दुकान, उसके बाद में खुली तो मैंने काफ़ी सारे छर्रे आलमारियों में से, नीचे से उठा उठा के बोरियों में से उनके उठा उठा के निकाले। कीले थी, स्टील की कीले थी जिनके नुक थे दोनों तरफ, उस पर वो नहीं थे पीछे, और छर्रे थे। बिल्कुल भाई साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे आपके आसपास बैठने वाले लोग और जो लोग यहाँ सामने फूलों का व्यापार करते हैं, जो रोज़ आपको मिलते होंगे, रोज़ आपसे दुआ सलाम करते होंगे, कई बार आपकी दुकान पे आके पानी चाय भी पीते होंगे, आज उनमें से कुछ लोग आज इस दुनिया में नहीं है, या वो ऐसी स्थिति में आ चुके हैं कि वो अपने हाथ पैर से कुछ नहीं कर सकते, उनको देख कर, उनसे बात कर कर इस 16वीं बरसी पर क्या कुछ आपको लगता है? नहीं, गलत है, उनको सजा मिलनी चाहिए, जो गुनाहगार है उनको सजा मिलनी चाहिए। जैसे प्रकाश जी है, हमारे पड़ोस में ही है, बिल्कुल सामने ही है, बरसों से दुकान है, आज से भी नहीं है, उनकी अच्छी तंदुरुस्ती देखी थी मैंने, आज उनकी हालत ये है कि बिल्कुल पतले दुबले हैं, उन पर खून नहीं है, आज भी उन पर 5-6 छर्रे लगे हुए हैं। कई आदमी हैं, कई जो रागीर थे उनको तो पहचान नहीं पाए, लेकिन हमारे जो स्टाफ था, जो भी माली थे, हम थे दुकानदार थे, लेकिन 5-7-10 तो हमारे आँखों के सामने आज भी, एक मरा हुआ है जो राम बाबू है वो मरे हुए हैं, कईयों के घायल हैं, कईयों के आज तक भी उनके छर्रे हैं, जो मेरे प्रकाश जी के तो आज भी, इनकी तो हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। भाई साहब, मैं जैसा आपने बोला कि एक शीशा आज भी आपके पास है जो उस बम धमाके की गवाही दे रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो शीशा अगर यहाँ इस दुकान में मौजूद है कि आप वो हमें दिखा सकते हैं। हाँ मौजूद है, आप देखिए, क्यों नहीं। बिल्कुल, आप एक बार देखेंगे उस शीशे को भी जो शीशा उस बम धमाके की गवाही दे रहा है। आप देख सकते हैं इस दुकान में अभी तो सब कुछ दुरुस्त हो चुका है, लेकिन इन्होंने जो बात बताई है कि जब वो बम फूटा था उस समय तमाम जो ये शीशे लगे हुए हैं वो ज़मीन पर बिखर गए थे। और मैं मेरे सहयोगी कैमरामैन को बोलूँगा कि वो आके दिखाए, एक शीशा इन्होंने अभी भी छोड़ रखा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से, बाहर हमने आपको दिखाया था कि कहाँ पर वो बम फूटा था और उस बम के अंदर जो छर्रे और कीले थी उनकी रफ्तार का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी अंदर आकर इस दरवाजे में लगे शीशे में छेद कर दिया।
तो आप सोच सकते हैं कि कितनी स्पीड होगी उस बम धमाके के बाद उन छर्रों और किलों में। कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, ये भाई साहब हैं, इनके शरीर में वो छर्रे आज तक मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो छर्रे मौजूद हैं साहब, वो निकल तो सकते नहीं है, अब ऑपरेशन हो नहीं सकता, वो ब्लड की कमी से वो अंदर ही है, अब वो जिएंगे जब तक ये बीमारी तो साथ ही चलेगी। बिल्कुल सर, करीब करीब आज 16 साल उस इंसिडेंट को हो चुके हैं, उस जो भयानक जो हमने पूरा दृश्य देखा था, 8 बम धमाके हुए थे, 13 तारीख या फिर मई का महीना जब शुरू होता है तब आपके मन की क्या व्यथा होती है, मन में आपके क्या आता है? 13-23 मई के महीने में शुरू से एंड तक अजीब सा डर पैदा हो जाता है शरीर में। ये 13 मई का मई का महीना तो हर साल दहशत ले आता है शरीर में। ये 13 मई आने के बाद में अब इसके बाद में जाके थोड़ी थोड़ी रिलीफ बाद में मिलने लगती है, और ये पूरे महीने में एक डर का सा माहौल रहता है शरीर में। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने देखा कि उस तारीख के गवाह आज भी मौजूद हैं, उस तारीख में जो छर्रे निकले थे वो न सिर्फ निर्जीव चीज़ों में बल्कि हमारे साथ में जो शख्स बैठे हैं इन जीवित व्यक्तियों के अंदर भी मौजूद है। एक और ऐसे व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं जो कहते हैं ना कि आप अगर किसी को दान दे रहे हैं, आप अगर किसी की सेवा कर रहे हैं तो आप अपना नाम किसी को पता मत पड़ने दीजिए, तभी वो निस्वार्थ सेवा कहलाई जाएगी। मैं इन भाई साहब से आपका परिचय करवाऊंगा और इनसे माफ़ी मांगते हुए कहूंगा, इन्होंने हमें मना भी करा था, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये व्यक्ति सामने आए और सरकार को कम से कम ये एहसास तो हो कि आपके पास में हर प्रकार के साधन हैं, आप हर चीज़ से आप संपन्न हो, आप हर किसी की मदद कर सकते हो। उसके बाद भी एक व्यक्ति ऐसा है जो आपसे एक पैसे की उम्मीद नहीं रखता, लेकिन पिछले 16 साल से लगातार बिना थके बिना रुके सेवा कर रहा है उन तमाम व्यक्तियों की जो न सिर्फ इस बम धमाके के पीड़ित हैं बल्कि हर वो व्यक्ति जो खून की कमी से जूझ रहा है। लगातार 16 साल से ये एक रक्तदान शिविर लगाते हैं, हालांकि इन्होंने हमें मना करा था, लेकिन हम इनसे गुजारिश करते हैं कुछ दो शब्द आप ज़रूर आप कहें, भले ही आप धन्यवाद दें उन व्यक्तियों का जो आपकी सहायता करते हैं। दो शब्द। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, जो बम ब्लास्ट में शहीद हुए उन लोगों को और भी नहीं तो जाके मिले तो सही, कम से कम किसकी क्या परेशानी है, किसकी क्या परेशानी है। मैं खुद भी स्वस्थ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इस 13 मई को मेरा जन्मदिन रहता है, थोड़ी बीमारी भी है, कुछ कई चीज़ें हैं, क्या बताऊँ, मेरी तबीयत सही नहीं है। अभी 13 मई 2008 में बम ब्लास्ट हुआ था, उसकी याद में हमारे रक्तदान शिविर का कार्यक्रम रखते हैं, छोटे चौपट पहले यहाँ करते थे, अब आजकल रामेंद्र जी के मंदिर में, चांदपुर हनुमान जी के करते हैं, जितना हमारे से हो जाए सभी फूल वाले वगैरह दुकानदार वगैरह सब लोग सहयोग इनको सहयोग से करते हैं, अब भगवान का आशीर्वाद। तो ये आपने देखा कि आज इनकी खुद की तबीयत सही नहीं और इनका जन्मदिन 13 तारीख को आता है, तो आप खुद सोच सकते हैं ये वो व्यक्ति हैं जो दिन भर इन्हीं लोगों के आसपास रहते हैं, और आज जब इनका जन्मदिन आता है तब ये अपना जन्मदिन भी कैसे मनाते होंगे, लेकिन एक तरीका इन्होंने चुना कि इन्हें भी बुरा ना लगे और इनके जो आसपास रहने वाले व्यक्ति हैं उन्हें भी किसी प्रकार की कोई पीड़ा ना हो, उस दिन को अपने उस जन्मदिन के दिन को उन्होंने रक्तदान शिविर के रूप में लगातार हर साल 13 मई को बनाने का जो निर्णय लिया है वो 16 साल से लगातार जारी है। खैर, ये एक भाव होता है कि हर व्यक्ति किसी की भी कैसी भी मदद कर सकता है और किसी भी तरीके से कर सकता है, लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात जो हमने शुरुआत में कही थी कि वाकई में जो न्याय उन बम विस्फोट के जो पीड़ित हैं, वो जो घायल हैं, जो वो लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके परिवारजनों को, उनके रिश्तेदारों को तभी मिलेगा जब वो दुष्ट, वो दहशतगर्द, वो आतंकी सलाखों के पीछे वापस जाएंगे और उनको फांसी की सज़ा मिलेगी। एक और कुछ लोग हैं, उनसे भी हम आपसे बात कराने की कोशिश करेंगे। जैसा कि भाई साहब ने बताया था कि बगल में जो दुकान है उनके जो ओनर थे राम बाबूजी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके परिवारजन आज हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, 13 मई 2008 वो दिन था, उस दिन को शायद आप कभी नहीं भुला सकते, हस्ती गाती जिंदगी, एक खुशहाल जिंदगी अचानक से हादसे में तब्दील हो गई, क्या कहना चाहेंगे? उस टाइम छोटा था मैं, वैसे ध्यान है मेरे को ये इंसिडेंट हुआ था, जो उसमें यहाँ पे हमारे राम बाबू जी काम करते थे, वो एक्सपायर हो गए थे,
छर्रे लग गए थे उनके कुछ, यहाँ पर बम ब्लास्ट यही हुआ था दुकान के, दो दुकान, एक दुकान आगे। आपकी उम्र क्या थी उस समय? मैं उस टाइम 22 साल का था। आप सरकार से, प्रशासन से आज के दिन आप क्या कहना चाहेंगे? 16 साल आज उस हादसे को हो चुके, बस कुछ रिजल्ट जो आया वो कुछ ऐसा आया नहीं जो वो हुआ, बाकी कोशिश बहुत रही थी, जनता की भी कोशिश रही थी, हम सब ने भी करा था, पूरा सहयोग करा था, लेकिन बस अब जो है जो। तो सुना आप लोगों ने, हर एक व्यक्ति की सिर्फ यही गुहार अपनी सरकार से है कि जो अपराधी हैं वो अपने अंजाम तक पहुंचे, वो फांसी के उस फंदे तक पहुंचे, तब जाकर इन बम धमाके में जो पीड़ित हैं, जो घायल हैं और जो लोग इस दुनिया को छोड़ चुके हैं उन्हें पर्याप्त और पूर्ण न्याय मिल सकेगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।